देखिए महिलाओं में किस तरह से उत्साह है कि यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं और ये भजन कर रहे हैं कि भाग्य खुल जाएंगे झोपड़ी के, कभी भाग भाग आज खुले जाएंगे। इस तरह से जो भजन है वो कर रही हैं तमाम महिलाएं। आप से देख सकते हैं किस तरह से ये भोजशाला के अंदर आज मौजूद है। तमाम महिलाओं में बेहद खुशी का माहौल है और हम इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं सीधे। हाँ दीदी, कितना खुशी का माहौल है? आज बहुत खुशी है। आज हमको सबको आज बहुत खुशी बनी माँ के दरबार में। जय जय सियाराम माँ का दरबार। हमारी माता जी आ जाए, आ जाए हमको। हाँ जल्दी मंदिर बन जाए हमारी, जल्दी मंदिर बन जाए का माहौल है भाई। जल्द से जल्द हमारी माता जी की स्थापना हो, राम जी का अयोध्या में बना जैसा धार में बन जाए हमारी माता जी का मंदिर। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा वैसे तो साक्षात है सरस्वती का मंदिर है। एक एक खंभा प्रतिदिन घंटियाँ है, शंखनाद है, मूर्तियाँ हैं, एक एक गवाह कह रहा है। लेकिन कुछ विधर्मियों ने यहाँ पे शुक्रवार को नमाज जो पढ़ाई है ये हमारे आस्था पे आहत किया है और कितना संघर्ष करते आए, लाठीचार्ज हुआ, कर्फ्यू लगा, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। और आज ये दुख की बात है कि ऐतिहासिक धरोहर हमारे मंदिर हमको नहीं मिले तो बहुत दुख की बात है, पर चलो फिर भी खुशी की बात है। भगवान ने भी धर्मियों को बुद्धि दे। एक तरफ कहते भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो कैसे भाई भाई हुए? इनके वहाँ पे मस्जिद में जाके ना वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं क्या? ये यहाँ पे क्यों शुक्रवार को नमाज पढ़ते? कल से यहाँ कब्जा कर रहे थे धरोहर, कल से हम मंदिर भी नहीं बचेंगे। जय जय सिया राम बोलो। महिलाएं बेहद खुशी हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर बहुत जल्दी मंदिर भी जल्दी माँ आ जाए हमारी माँ के लिए बहुत। हम इतना उत्सुक हैं कि हर रोज आरती करें, हर रोज आए और जल्दी से उठ के आए। हमारे हिंदू धर्म की वर्षों की तपस्या है जो आज सफल होने जा रही है न हिंदू महासभा ने। हम रोज आना चाहते हैं हमारे मंदिर में, सिर्फ मंगलवार के दिन नहीं, रोज माता जी। तमाम महिलाएं बेहद खुशी है, इनका कहना है कि हम सिर्फ मंगलवार को नहीं रोज यहाँ पर पूजा अर्चना करने आना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जल्दी जिस तरह से राम में अयोध्या में मंदिर बना है, इसी तरह यहाँ पर जो भोजशाला है यहाँ पर भाग्य देवी माँ सरस्वती का भी मंदिर बनना चाहिए। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ धार से ABP News के लिए नितिन ठाकुर।